तो क्या हाल है आपका? तो यार देखो, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, बिकॉज उनको ये समझाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ब्लेंडिंग करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जितना इम्पॉर्टेंट शेडिंग करना होता है। क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए यार इम्पॉर्टेंट शेडिंग होती है, ब्लेंडिंग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। बिकॉज शेडिंग के थ्रू ही हम लाइट डेप्थ और डार्क डेप्थ को अपने ड्राइंग में शो कर पाते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक हो पाती है। और एक बार जब हमारी शेडिंग स्किल इम्प्रूव हो जाती है तो हम सभी ड्राइंग को काफ़ी रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो यार ये वीडियो तुम लोग खुद देख सकते हो, मैं इसमें बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं कर रहा, बट जो शेडिंग कर रहा हूँ तो लग रहा है जैसे मैं ब्लेंड करते हुए शेडिंग कर रहा हूँ इसको। तो यार ऐसे शेडिंग्स के लिए तुमको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा तुमको टाइम देना पड़ेगा इसमें। मेरा खुद 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसमें, और मैंने कहीं से सीखा नहीं, मैंने खुद से सीखा है इसको। तो एक बिगिनर्स को मुझसे बेहतरीन कौन समझ सकता है यार। पर मैं बता दूं, मैं लॉकडाउन से पहले शेडिंग ड्राइंग के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, क्या ड्राइंग क्या स्केच मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। बट लॉकडाउन के बाद से मैंने कुछ ड्राइंग करना शुरू किया, बिकॉज घर पे मैं पूरे दिन खाली रहता था तो बस वही ड्राइंग करता था। और सुनो, मैं खुद बिगनर्स रह चुका हूँ इसलिए बिगनर्स बेसिकली गलती ये कर देते हैं कि आउटलाइन तो वो परफेक्ट बना लेते हैं, बट उसको शेडिंग करते वक्त पे काफ़ी जल्दी कर देते हैं और लाइनिंग बाय लाइनिंग सेट करने लगते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। यार तुम लोग को मैं दिखा भी रहा हूँ कि बिगनर्स गलती ये कर देते हैं, और इस तरह से सेट करके उसके बाद से फिर एक बढ़िया सा ब्लेंडिंग स्टम्प लेंगे, उसको दबा कर ब्लेंड करते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ही बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई, मतलब ऐसा लगता है जैसे लाइनिंग ख़त्म हो जा रही है इस ब्लेंडिंग से। नहीं तो इससे रिजल्ट ही बहुत ही बेकार आने वाला है, जो कि ये गलती मैं भी करता था और हर एक बिगनर्स करता है ये गलती। और फिर शेडिंग कुछ इस तरह से आती है, कहीं डार्क रहेगा कहीं लाइट रहेगा, इस तरह से शेडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और यहीं अगर तुम थोड़ा सा टाइम दे दोगे शेडिंग में, थोड़ा सा बहुत ही धीरे धीरे करोगे, बिल्कुल ही प्रेशर का अप्लाई नहीं करोगे, तो रिजल्ट बिल्कुल ही ब्लेंडिंग स्टम से ब्लेंड किया हुआ आता है। अगर तुम इसके बाद ब्लेंड भी नहीं करते हो तो यार लगेगा कि हाँ तुमने ब्लेंड कर रखा है, बट ये शेडिंग की इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई इम्प्रूवमेंट बोलने में। दोनों में रिजल्ट तुम लोग खुद देख सकते हो कौन सा बेस्ट है, ब्लेंडिंग किया हुआ या बिना ब्लेंड किए शेडिंग किया हुआ। लेकिन मैंने इसमें ब्लेंड किया है तो इसमें भी ब्लेंड कर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। ब्लेंडिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना हम सोचते हैं, सॉरी जितना एक बिगनर सोचता है कि ब्लेंडिंग से इतना फ़र्क आ रहा है। तो आई होप तुम लोग को फ़र्क पता चल गया होगा। तो यार देखो, मैं इससे इस ड्राइंग को कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ब्लेंड नहीं कर रहा इस ड्राइंग में, तो यार तुम लोग देख कर अच्छे से समझ लो। Thank you.
यहाँ पर तुम लोग खुद देख सकते हो कि मैंने कितना ईजिली बिना ब्लेंड किए हुए हर डार्क डेप्थ और लाइट डेप्थ को अच्छे से शो करके काफ़ी रियलिस्टिक ड्राइंग किया है, बिकॉज मेरी शेडिंग स्किल इम्प्रूव है यार। यही स्किल तुमको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यार दोनों में फेस मैच कर लो, देखो बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, बिकॉज मेरी शेडिंग स्किल इम्प्रूव है तो मैं काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा हूँ। यही स्किल तुमको भी इम्प्रूव करना है, बिकॉज इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। तो यार अगर तुम लोग को भी इस तरह से ड्राइंग करना है तो यार मेहनत तो करना पड़ेगा, बिकॉज बिना प्रैक्टिस बिना हार्डवर्क के इतना अच्छे से ड्राइंग नहीं हो पाएगा। तो यार अब जब मैं सिर्फ ब्लेंडिंग करूँगा या फिर ब्रशिंग करूँगा तो काफ़ी अच्छे से तो जो रियल दो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी रियलिस्टिक ड्राइंग का होगा। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक मारो, लाइक का एम रखते हैं 50 लाइक्स के लिए, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। और चैनल पे नए हो तो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन के साथ शेडिंग करो या ब्लेंडिंग, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ शेडिंग स्किल इम्प्रूव करने। बाय।